ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में तीसवें चरण की 9 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि ये सुबह 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। सुबह 11 बजे तक 30.21% मतदान होता हुआ नजर आया है। बैतूल में 32.65%, भिंड में 25.46%, वहीं भोपाल की बात करें तो 27.46% मतदान होता हुआ नजर आया है। ग्वालियर में 28.55% मतदान हुआ है। मुरैना में 26.62%, वहीं सागर में 30.31% वोटिंग होती हुई नजर आई है। विदिशा की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 32.64% मतदान हुआ है। एमपी में तीसरे चरण की 9 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 30.21% मतदान अब तक हो चुका है। बैतूल में 32.64, वहीं भिंड में 25.46%, भोपाल में 27.46% मतदान होता हुआ नजर आया है। मुरैना में 26.62% वोटिंग होती हुई अब तक नजर आई है। राजगढ़ में 34.81% और सागर में 30.31% मतदान हुआ है, तो 32.64% मतदान अब तक हो चुका है। ये एमपी का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एमपी में तीसवें चरण की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है और 11 बजे तक 30.21% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार आज 9 सीटों पर मतदान जारी है और आप लाइनें देख सकते हैं कि मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा में सुबह 9 बजे तक 32.64% मतदान हो चुका है। वही एमपी की बात करें तो तीसरे चरण की 9 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 30.21% मतदान हो चुका है। बैतूल में 32.65%, भिंड में 25.46%, भोपाल में 27.64% और गुना में 34.53% मतदान हुआ है। वहीं इस पर तमाम जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है, वहीं शिवपुरी की अगर बात करें तो मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आकांक्षा तो इस समय क्या है कि लोगों में जागरूकता का जो है वो है कि जागरूक जो है हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पे लोग अपने जो है बहुमत का पूर्ण उपयोग करने के तैयारी में लगे हुए हैं। एमपी में तीसवें चरण की 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 30.21% मतदान होता हुआ नजर आया है। बैतूल में 32.65% मतदान हुआ है, वहीं भिंड में 25.62% मतदान हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके से मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ग्वालियर में 28.55% मतदान, वहीं सागर में 30.31% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। विदिशा की बात करें तो 32.64% मतदान अब तक हो चुका है। एमपी में तीसरे चरण की 9 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे तक 30.21% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार ये आंकड़े आपको सुबह 11 बजे तक के दिखा रहे हैं। तस्वीरें सीधा मध्य प्रदेश के मतदान केंद्रों से सामने आई है, जहां मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और लंबी लंबी लाइनों में मतदाता लगे हुए हैं। वहीं सुबह 11 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज तीसरे चरण में 9 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सागर में 30.31% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। वहीं विदिशा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 32.64% मतदान हुआ है। एमपी में तीसरे चरण की 9 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, 30.21% मतदान हुआ है।